हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और मेरा मॉर्निंग तो होता है बर्तनों के साथ। आई थी बर्तन मांजने, लेकिन एक क्या देखिए, पानी तो आ ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुबह 7 बजे के बाद ही पानी आता है, तो अब क्या करूँ। लेके बाथरूम में आके बर्तन धुल रही हूँ। रात में क्या होता है कि 10 से 11 बज जाते हैं मुझे, हम लोग सभी को खाना खाने में, तो उसके बाद अंधेरा रहता है पीछे धारा पे और फिर लेट भी हो जाता है। तो बर्तन सुबह में धुलती हूँ, बेसिन वगैरह रहे तो आदमी रात में ही सब साफ उफ करके सो जाता है। और इसके बाद क्या था, बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैं इसको ले आकर घर में रखती हूँ। अब इसको भी मिला देती हूँ। और बच्चे का तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8 से 8:30 बजे तक दोनों सोएंगे। जितना भी उठा ले उठेंगे 8:30 बजे। तो चलो सोने देते हैं, तब तक मैं बर्तन वर्तन सेट कर दे रही हूँ। और सुबह सुबह भी कुछ मिला ही नहीं हूँ, इस सबको सेट कर लूँ, उसके बाद धीरे धीरे सारा काम करूँगी। और आज रात में क्या हुआ ना कि खाना खाने के बाद तुरंत अन्या को सोना था, तो वो बिल्कुल ही मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। उसको जब सोना रहता है तो पापा के पास भी बिल्कुल भी नहीं मानती, तो इसलिए किचन साफ नहीं की थी। तो अभी मैं साफ करने लगी और इधर चाय भी बैठा दे रही हूँ। चाय सुबह सुबह हम लोग दोनों लोग चाय साथ में पीते हैं। तो उसके बाद चाय बनाने के बाद क्या कि इसके बाद वो भी काम में चले जाते हैं, तो कभी टाइम ही नहीं मिलता हम लोग का। अब सीधे रात में साथ में खाना खाएंगे। सुबह का तो खाना मैं पहले खा लेती हूँ, पता नहीं कब आते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं रहता है खाना खाने का, तो इसलिए चाय तो हम लोग साथ में पीते हैं। और साथ में इनको चाहिए मोबाइल, चाहे खाना खाए या फिर चाय पिए, मोबाइल चाहिए। तो जब शुरू शुरू में मैं नया मेरा शादी हुआ था, तो बड़ा मुझे अकेलापन लगता था कि ये तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते थे। लेकिन अब मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों में व्यस्त रहती हूँ। उसके बाद मैं भी अपना YouTube का वीडियो वगैरह हुआ कभी एडिट करने लगती हूँ चाय पीते पीते ही, और उसके बाद मैं उसी सब में व्यस्त रहती हूँ, तो उतना खास मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इनका तो ये लगा रहेगा, वो मोबाइल से बाहर देखेंगे ही नहीं, ये तो उनका रोज़ का है, अब तो हैबिट हो गया, नहीं फ़र्क पड़ता मुझे भी। और देखिए अभी तक इतना मैं चाय पी ली, अभी तक सोया और नानू को खांसी आ रहा है। उसके बाद मैं लग गई खाना की तैयारी करने में, क्योंकि और टाइम जैसे अब हैबिट हो गया, सुबह नाश्ता नहीं बनता है, बाबू को स्कूल जाना रहता है, तो खाना ही पहले बनाती हूँ, नाश्ता हम लोग शाम को खाते हैं। तो इधर दाल बैठा दी हूँ, अब इधर सब्जी वगैरह भी कट कर ले रहा हूँ। आज बाबू का छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे को नेपाल में छुट्टी रहता है, तो ये सैटरडे का वीडियो है। और इस तरह से सब्जी वगैरह मैं बना लेती हूँ, इसके बाद बच्चे उठते हैं तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन किसी चीज़ का नहीं रहता। और ये मैं ट्राई कर रही थी टिकटॉक का कैमरा ऑन करके कि देखे उससे कैसा आ रहा है, और उसके बाद भूल के मैंने उसी कैमरा से ही रिकॉर्ड कर दिया था, तो इसमें टिकटॉक का वो क्या बोलते आ रहा है छाप। और इसके बाद मैंने सोचा चलो दाल और बिन के रख दे रहे, वो ला दिए थे इनके पापा, अब बिनने बैठी तो आ गई ये भी बिनवाने के लिए। अब बिनवा रही थी, खा रही थी, हर काम में मुझे हेल्प करती है, कोई भी काम में मुझे छोड़ती नहीं है, हर चीज़ में। अगर मैं कपड़े उपड़े धुल लूँ तो ले जाके मुझे देती है, मैं ऊपर डोरी में टांग देती हूँ। तो इस तरह से बेटी होने का फ़ायदा बहुत चीज़ में है, ये मुझे पता चला है। देखिए बाबू तो अभी तक सोया है। इसके बाद हम लोग शाम को गए थे सामान छोड़ने पे, तो इनके पापा बोले कि चलो सब लोग थोड़ा सा घूम लेते, तो वहाँ चले गए। अब खतरनाक जंप होने वाला है, देखते हैं खतरनाक जंप। अरे खतरनाक जंप हुआ इनका, यहाँ से रही है खतरनाक जंप। हेलो फ्रेंड, तो हम लोग वापस आ चुके हैं और रात हो गया, देखिए बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, लेट के टीवी देख रही है अभी, जब तक मैं खाना जल्दी से बना के आ जा रही हूँ।